दुमका में 12वीं क्लास की छात्रा अंकिता सिंह पर पेट्रोल डालकर जान से मारने के लिए आग लगा देने वाली घटना जो कि बहुत ही निंदनीय है, उसको लेकर तमाम सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन के लोगों ने कल दोपहर शाम 4 बजे जिला स्कूल के पास जमा हुआ अल्बर्ट अक्का चौक तक ऐसे अपराधी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। दरअसल सभी ने एक स्वर में कहा कि अपनी माँ बहन और बेटी के खिलाफ हो रहे ऐसे आपराधिक मामलों का हम सभी विरोध करते हैं और अंकिता के पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा मिले, अंकिता और उनके परिवार को सुरक्षा मिले, अंकिता का अच्छे से अच्छा इलाज किया जाए, उसके भविष्य के लिए उसे एक सरकारी नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा मिले ताकि उसके आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का कष्ट न हो। ऐसे अपराधी जो एसिड फेंक कर, पेट्रोल फेंक कर और रेप कर हत्या कर देने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही स्कूल से लेकर कॉलेजों तक पढ़ाई भी शुरू, ऐसे घृणित कार्यों को लेकर और उसमें बच्चों और लोगों को पढ़ाया जाए कि ऐसी घटना बहुत ही घृणा का कार्य होती है, दोनों के परिवार बर्बाद होते हैं और कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, समाज आपको अलग कर देता है, इसलिए ऐसे कार्यों से बच्चे और दूसरों को भी समझाएं। नारी सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, आइए हम सभी मिलकर अपनी माँ बहन और बेटी के खिलाफ हो रहे ऐसे आपराधिक मामलों पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोलें। पूरे शहर के लोगों ने कहा कि हम लोग अंकिता सिंह के परिवार के साथ हैं, किसी भी तरह की परेशानी होने पर हम सभी उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रांची से सुनील पोदार की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।